देश की सरहदों को दुश्मनों से सुरक्षित करने वाली सेना में भर्ती की सरहदें ही असुरक्षित हो चली हैं। लोग सेना में भर्ती के नाम पर बड़ा से बड़ा फर्जीवाड़ा करने को तैयार हैं। और ऐसा ही एक फर्जीवाड़ा सामने आया है यूपी के कानपुर से, जहां पहले फर्जी भर्ती कराई गई, फिर इस फर्जी भर्ती को सही साबित करने के लिए ट्रेनिंग भी दी गई और ट्रेनिंग के बाद पीड़ित को पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात भी करा दिया गया। लेकिन किसी सैन्य अधिकारी को इतने बड़े फर्जीवाड़े की कोई खबर ही नहीं लगी। इस पूरे फर्जीवाड़े की कहानी को समझने से पहले आपको इस फर्जीवाड़े के हर किरदार के बारे में जानना जरूरी है। फर्जीवाड़े का पहला किरदार है राहुल। राहुल ने इस फर्जीवाड़े के लिए पीड़ित से पैसे लिए और इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। राहुल की मदद की राजा ने राहुल की मदद की और पीड़ित मनोज की कानपुर टेरिटोरियल में 15 दिन की ट्रेनिंग भी कराई, जिससे किसी को बिल्कुल शक न हो कि यह सब एक फर्जीवाड़े का हिस्सा है। राहुल ने पीड़ित मनोज को अपने साथ फॉलोवर बनाकर पठानकोट ले गया, जहां उसे पाकिस्तान बॉर्डर पर ड्यूटी भी कराई। और इस फर्जीवाड़े की पूरी कहानी का अंतिम किरदार है मनोज, जिसके साथ ये पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है। आरोपी ने ये सब एक बिल्कुल प्लान शातिर ढंग में अंजाम दिया। सबसे पहले उसने नौकरी लगवाने के नाम पर मनोज और उसके भाई से 16 लाख रुपए लिए, जिसमें 10 लाख रुपए नगद तो बाकी पैसे मनोज ने आरोपी राहुल के खाते में डाल दिए। इसके बाद राहुल मनोज को टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिस में अपने साथ रखने लगा। राहुल ने मनोज को बाजार से खरीदकर सेना की वर्दी और आईडी कार्ड दिया, अपने पठानकोट ऑफिस में बतौर फॉलोवर रखा। वहां का खाना भी मनोज बनाने लगा, साथ ही कभी कभी बॉर्डर पर सेना के हथियारों के साथ ड्यूटी भी करवाई गई। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित मनोज को राहुल पर शक हुआ, फिर उसने आर्मी इंटेलिजेंस से संपर्क किया। इसके बाद आर्मी इंटेलिजेंस ने करीब 1 महीने तक इन आरोपियों पर नजर रखी। उसके बाद कानपुर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने राहुल, बिट्टू के साथ राजा को भी FIR में नामजद कर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अब ये पूरा मामला रक्षा मंत्रालय तक पहुंच गया है और सेना की सुरक्षा में सेंधमारी देश के लिए घातक है, इसीलिए अब इस घटना से जुड़े हर व्यक्ति को गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। इस पूरे मामले को एक फर्जी कर्नल का किरदार बनकर अंजाम दिया गया। अब रक्षा मंत्रालय से लेकर सेना खुद इस मामले पर करीब से नजर रखी हुई है, ताकि इस गिरोह के साथ जुड़े और लोगों को भी समय रहते गिरफ्तार किया जा सके। सेना को देश की सरहदों को इस तरह के फर्जीवाड़े और दुश्मनों से बचाने के लिए अब दो मोर्चों पर चौकन्ना रहना पड़ेगा। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।